नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज का खबरों का बुलेटिन। आज नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में रैली को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी आज झारखंड के लातेहार दिल्ली के सभा को संबोधित करने के बाद दरभंगा आए। एक महीने में वो 10वीं बार बिहार आए हैं। दरभंगा में बीजेपी उम्मीदवार गोपाल ठाकुर के लिए परंपरागत तरीके से उन्होंने दावे किए हैं। यहाँ पहुंचकर उन्होंने मिथिला की धरती को नमन किया। देखिए यह वीडियो रिपोर्ट। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है जहां कोई नहीं पहुंचा। 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आपको कोरोना का समय याद होगा। 100 साल का इतना बड़ा संकट आया था। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन उस समय भारत ने दिखाया कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। मोदी ने दरभंगा में कहा कि 5 साल का रोड मैप और 25 साल का विजन उन्होंने सबके सामने रखा है। नरेंद्र मोदी ने शहजादे वाले बयान को यहाँ भी दोहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी एक शहजादा है और एक दिल्ली में भी एक शहजादा है, दोनों में एक जैसी बात देखी जाती है। मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोड मैप दिया है। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा है, लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। बीजेपी में अगर किसी बात की गरज है तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के भीतरी मामलों से है। बीजेपी को इससे बहुत दुख है कि प्रियंका गांधी कहीं से उम्मीदवार नहीं बनाई गई। बीजेपी ने दोनों भाई बहनों की सत्ता की अलग अलग लॉबी चलने का आरोप लगाया है। सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को किनारे करने में लगे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने गुजरात के बनासघाटा में मोदी के ऊपर सवाल पूछा है। कहा कि वह शहंशाह की तरह घूमते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के बारे में यह कहा है कि 4000 किलोमीटर की यात्रा करके उन्होंने देश के लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश की है। मोदी लोगों की समस्या को आखिर किस तरह जानेंगे? प्रियंका गांधी ने गुजरात में सभा को संबोधित किया। गुजरात के बनासकांठा की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मेरे भाई ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा करके लोगों का दुख दर्द जाना है। खुद वह शहंशाह की तरफ घूमते हैं। प्रियंका ने बातचीत करने वाली शैली में लोगों से पूछा कि क्या कीमतों के बढ़ने का या अन्य दुख दर्द का मोदी जी के जीवन पर कोई भी असर पड़ता है। शहंशाह की शैली में रहकर प्रधानमंत्री खुद लोगों के दुख दर्द को कैसे महसूस कर सकते हैं? वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं।
मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं, मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो, महंगाई से आप दब चुके हो। रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत दिया गया है। शिकायत में कहा गया है कि वह भारतीय नागरिक नहीं है। इसके साथ साथ उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आयकर संबंधित जानकारी और पता छुपाया है। दिन भर के राजनीतिक सरगर्मी के बाद रोहिणी आचार्य का चुनाव नामांकन मान्य हो गया है। रोहिणी आचार्य ने अपने पास 10 लाख रुपए होने की बात कही है, जबकि उनके पति के पास 20 लाख रुपए है। उन्होंने यह बताया है कि उनकी संपत्ति 3 करोड़ की है और उनकी पति की संपत्ति 7 करोड़ की है। मंगलवार को केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट दलील सुन सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच में यह तय होगा केजरीवाल को कब जमानत मिलेगी। केजरीवाल के खिलाफ तो कोई आरोप पत्र भी तय नहीं हुआ है, धन शोधन का कोई चार्ज भी नहीं लगाया गया है, पीएमएलए के धारा 8 के तहत कोई मामला तय नहीं हुआ है। पटना हाईकोर्ट में विश्वविद्यालय के खाता पर रोक के मामलों को हटा दिया है। शिक्षा विभाग के द्वारा उनके खातों पर रोक लगाई गई थी। उन दिनों वाइस चांसलर राज्यपाल के पास मीटिंग में जाते थे, शिक्षा विभाग के मीटिंग में नहीं जाते थे। पटना हाईकोर्ट के अगले आदेश तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दंड नहीं दिया जाएगा। 6 मई को शिक्षा विभाग के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी मीटिंग में शामिल होंगे। कोर्ट को यह भरोसा दिलाया गया है कि बैठक में कुलपतियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। 17 को अगली सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के एकल पीठ में न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने आज एक ऑर्डर में विश्वविद्यालय के खाते को तुरंत चालू कर देने का आदेश दिया। इस वजह से विश्वविद्यालय अब रिटायर्ड लोगों को तथा कर्मियों को वेतन राशि दे पाएगा। बहस के दरमियान बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने यह दलील रखी थी कि 5000 करोड़ रुपए की राशि विश्वविद्यालय को अनुदान के रूप में दी जाती है। इस राशि का सही उपयोग हो और विश्वविद्यालय सही ढंग से चले, इस संदर्भ में थोड़ी सी कड़ाई होते ही परेशानी शुरू हो गई। पटना हाईकोर्ट ने निर्देश देकर स्थान और 6 मई का समय तय करवाया। इस तरह हाईकोर्ट ने राजभवन और शिक्षा विभाग के गतिरोध को हल करने में एक मध्यस्थ की अच्छी भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए यह ज़रूरी है। बिहार के राज्यपाल के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा था और यह कहा था कि राजभवन और शिक्षा विभाग का गतिरोध नहीं रहना चाहिए। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो वीसी और अकाउंट्स पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। महाधिवक्ता ने कहा कि किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं हो, इसके लिए मीटिंग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। देर से आई सूचना के अनुसार शनिवार की शाम कश्मीर घाटी के सूरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर बढ़ रहे वायुसेना के जवानों की गाड़ियों पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की है। 5 जवान घायल हुए हैं, उनमें 2 की हालत चिंताजनक बताई गई है। पुलिस और सेना यहां पहुंच रही है और इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।